हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगवाल आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक महीने में स्केच बना सकते हैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह। एक अच्छे आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो एक महीने के अंदर आप बन सकते हैं, अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर लें तो। तो इसी बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अच्छे से स्केच बनाना है और किस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। काफ़ी बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि वो स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं लेकिन शेडिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है। किस तरीके से ब्लेंड करना है, किस तरीके से शेड करना है, कहाँ पे डार्क देना है, कहाँ पे लाइट देना है और किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करना है ताकि वो अच्छे से देख सके। जिस तरह से वो उनको देखना है उसी तरीके से वो बना सके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको यही होती है कि वो आई फोकस नहीं कर पाते हैं और जिस तरीके से वो देखते हैं कि हाँ रेफरेंस फ़ोटो उन्होंने देख ली, लेकिन जब वो वहाँ से देख रहे हैं कि हाँ अच्छा इस तरीके से हो रहा है, फिर जब वो ड्रॉ करते हैं तो वो उसको अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड में वो चीज़ नहीं फोकस कर पाते हैं कि क्या हमने देखा और हमने क्या बनाया। वो देखते हैं कि हाँ इस तरीके से हो गया है और मैंने ही बना दिया है, जबकि वो परफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो अपने आई फोकस बनाइए ताकि जो चीज़ आप देख रहे हैं वही चीज़ आप उसमें अच्छे से ड्रॉ कर सकें। उसी हिसाब से आपका हाथ और माइंड ट्रेंड होना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं वही चीज़ आप बनाएं। बस इस चीज़ पे आपको फोकस करना है तो आप एक महीने के अंदर स्केच सीख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि खामियां निकालना, कि आपको उसमें खामियां निकालनी है। आपने अभी तक कुछ गेम्स देखे होंगे जो पजल गेम होते हैं, उसमें एक फ़ोटो होती है, दो फोटोज दी जाती हैं कि आप इस फोटो में और इस फोटो में देख के बताइए कि क्या कमी है। जैसे आपने कोई फ़ोटो देखी होंगी कि किसने हेड पहन रखी है और दूसरी फोटो में हेड नहीं है, किसी का एक ईयर नहीं है दूसरे का ईयर नहीं है। तो जैसे आप उसमें खामियां निकालते हैं कि कितने पॉइंट्स, जैसे उसमें वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं और किसमें नहीं है, तो उसी तरीके से आपको रियलिस्टिक स्केच जब आप बनाते हैं तो एक एक पॉइंट उसमें देखा जाता है कि आपको क्या चीज़ किस तरीके से बनानी है। जो चीज हम देख रहे हैं वही चीज हाथ से निकल के आए और वही चीज जो हम माइंड से, आपको पहले तो अपना माइंड ट्रेन करना है ताकि आप अपना हाथ उसी तरीके से चला सके। तो सबसे पहले आपको यही चीज अपने स्केच में आपको फोकस करनी है और उसके बाद जो मैं ये ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो ट्रिक आपको यूज करनी है तो डेफिनेटली आप एक महीने के अंदर स्केच बना सकते हैं बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह, और आप इस तरीके से अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप इस तरीके की ट्रिक यूज करेंगे तो आपके स्केच में काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी ड्रॉइंग स्किल्स भी बहुत बेटर होंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ स्केचेस, किस तरीके से पेंसिल का यूज करना है और किस तरीके से शेडिंग का यूज करना है। तो इस चीजों को आप ध्यान से देखिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे, चारकोल न्यूट्रल पेंसिल का हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आईज ड्रॉ करनी है, जितनी भी आईज है आपको पूरे इस तरीके से पेंसिल से ब्लैक कर लेनी है और जो ऊपर की जो लेयर होती हैं वो आपको थोड़ी डार्क रखनी है और नीचे की लाइन हल्की सी लाइट रखनी है और ब्रश से आपको उसको ब्लेंड करते रहना है। जितनी बार भी आप पेंसिल का यूज़ करें चारकोल पेंसिल का तो उसको ब्लेंड ज़रूर करिए कुछ इस तरीके से। देखिए आप ऊपर की जो लाइन है वो डार्क रखनी है, नीचे की लाइन लाइट रखनी है और ब्रश से ब्लेंड करना है। और जो आप देख रहे हैं आईज़ में जो हाईलाइट हो रही हैं वो आपको वाइट जेल पेन से यूज़ करना है, जिससे थोड़ी सी हाईलाइट हो, जो वाइट डॉट आ रहा है वो आपको हाईलाइट करना है वाइट जेल पेन से। और जितने भी डार्क एरिया आ रहा है उसमें आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करिए और कुछ इस तरीके से ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करिए। तो जितनी भी शेडिंग होती है सबसे पहले आपको 2B से शेड करना है, उसके बाद जितना डार्क आता रहे उतना आपको 6B पेंसिल 8B पेंसिल का आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करिए आप 2B पेंसिल का, जितनी भी शेडिंग का काम होता है सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर चढ़ानी होती है 2B से ही, ताकि आप बाद में 6B यूज़ करके स्केच के अकॉर्डिंग डार्क कर सकते हैं। अब आईब्रो को भी आप चारकोल पेंसिल से इसको डार्क कर लीजिए, जितना डार्क एरिया आ रहा है कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल हेयर की तरह बनाना है, जैसे हम हेयर्स बनाते हैं उस तरीके से करना है, फिल नहीं करना है। तो इस तरीके से आप उसको डार्क कर सकते हैं चारकोल पेंसिल से। फिर इसको आप मेकअप ब्रश से हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए ताकि वो कलर अच्छे से मिक्सअप हो जाए और जितनी लाइन्स आती हैं वहाँ आपको कहीं चारकोल पेंसिल और कहीं आपको 8B पेंसिल का यूज़ करना होता है। तो अब ये जो डार्क आ रहा है आइज़ के ऊपर वो मैं 6B का यूज़ कर ले रहा हूँ। 6B और 8B का यूज़ ज़्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि जहाँ डार्कनेस आती है वहाँ आपको शेडिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, डार्क देना होता है और ब्लेंड करना होता है। तो हमेशा ब्लेंडिंग पे भी आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आपको किस तरीके से ब्लेंड करना है और पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़िए ताकि आप शेडिंग अच्छे से कर सकें। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करिए, प्रेशर का यूज़ सिर्फ आपको चारकोल पेंसिल में ही करना है ताकि कहीं आपको डार्क देना होता है और जहाँ शेड करना होता है तो वहाँ भी आपको चारकोल पेंसिल पीछे से पकड़नी होती है। तो अब मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस हेयर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको हेयर्स पहले ड्रॉ कर लेने हैं और उसको ब्लेंड करने के बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके उसको डार्क करना है और उसके बाद फिर ब्लेंड करना है। ऐसी आपको पूरे हेयर्स में आपको अप्लाई करना है। तो जब भी हेयर्स बनाएं आपको इसी तरीके से बनाना है कि पहले आपने पेंसिल से उसी डायरेक्शन में बनाना है चारकोल पेंसिल से, फिर आपको सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करना है, ब्लेंड करना है।
इस तरीके से आप हेयर्स बना सकते हैं और इससे काफ़ी रियलिस्टिक बनेंगे। और जहाँ हाईलाइट आ रहा है वहाँ पे आप टोम्बो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए कहीं कहीं लाइट आ रहे हैं, तो उसके बाद आप टोम्बो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा हाईलाइट के लिए आपको व्हाइट जेल पेन का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं फोरहेड बना रहा हूँ, तो फोरहेड में भी सबसे पहले 2B पेंसिल की शेड दे रहा हूँ, ताकि इसमें जहाँ डार्क शेड देना हो वहाँ डार्क शेड दे सकता हूँ। अब जैसे नोज़ है, तो जितना डार्क एरिया है वहाँ आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना है। और हल्के हल्के आपको 8B जो साइडिंग आ रही है, तो 8B पेंसिल से उसको आप हल्के से ब्लेंड करना है। जहाँ अगर आपको स्केच डिपेंड करता है कि कौन सा स्केच कहाँ पे हमें कितना डार्क देना है, वहाँ पे आप चारकोल पेंसिल और 8B पेंसिल का यूज़ करिएगा डार्क करने के लिए। तो पहले पूरे स्केच में आपको 2B पेंसिल इस तरीके से अप्लाई करनी है और धीरे धीरे करके शेड देना है। तो स्केच में मैं जिस तरीके से वर्क कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पे मैं कौन सी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ और किस तरीके से आपको वर्क करना है। हमेशा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप स्केच देखते हैं, रेफरेंस फ़ोटो देखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है कि जैसा आप देख रहे हैं उसी तरीके से आप अपना वर्क दीजिए, उसी तरीके से आपको हाथ चलाना है। तो सबसे पहले देखिए आई फोकस वाला काम होता है कि जैसे आपने जो चीज़ देखी है तो उसी चीज़ को आपको पेपर में उतारना होता है। तो सबसे पहले आपको मेन यही काम करना है कि आप जो देखें उसी चीज़ को बनाएं, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करिए, उसको समझिए कि कहाँ पे कैसा होगा, कहाँ डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है। तो उसी चीज़ को आपको समझना है कि हम किस तरीके से स्केच बनाएं, कहाँ पे डार्क दें, कहाँ पे लाइट दें। तो इस तरीके से देखिए ईयर में भी मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा डार्क शेड आ रहा है, जहाँ ज़्यादा ही डार्क आपको ब्लैकिश लगता है तो वहाँ चारकोल पेंसिल का यूज़ करिए, और जहाँ आपको हल्का लाइट शेड दिखता है, जहाँ पेंसिल का लगता है, तो वहाँ 8B 10B पेंसिल का यूज़ करिए। तो देखिए आप जितने भी देखिए माउथ है, तो माउथ के अंदर जितने डार्क एरिया है मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, ताकि जो अंदर का जो हल्का सा जब ओपन होता है माउथ, तो आप डार्कनेस जो दिखती है वहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ करिए। और जितने लिप्स हैं, तो लिप्स में पहले 2B, फिर उसके बाद 3B, और उस अपने स्केच के अकॉर्डिंग आप उसमें 8B तक आप शेड दे सकते हैं। तो जैसे हमने हेयर्स बनाए थे, तो उसी तरीके से आपको भी बियर्ड बनानी है कि पहले पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से यूज़ करना है आपको। जिस डायरेक्शन में आपकी बियर्ड आ रही है, तो सबसे पहले आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और पूरा आपको फिल कर लेना है अच्छे से। उसको फिर ब्लेंड करने के बाद जितना डार्क एरिया आ रहा है वहाँ सॉफ्ट पेस्टल आपको यूज़ करनी है, चारकोल की सॉफ्ट पेस्टल। इस तरीके से यूज़ करने के बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए, काफ़ी रियलिस्टिक लुक आएगा। और उसके बाद जो हाईलाइट होती हैं वहाँ आप टोम्बो इरेजर का यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको हल्के हल्के इरेजर का यूज़ करना है। और बाकी के जितने लाइट जो हेयर्स आते हैं वहाँ आपको चारकोल पेंसिल से यूज़ करना है। चारकोल पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए, और ज़्यादा हाईलाइट के लिए आपको व्हाइट जेल पेन का यूज़ करना है। कुछ इस तरीके से आप रियलिस्टिक वर्क बना सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए कहाँ आपको किस तरीके से वर्क करना है। अब जितना देखिए इसमें जो पोर्स होते हैं, हल्के हल्के जो डॉट्स होते हैं, तो आप पेंसिल से बना सकते हैं हल्का हल्का इस तरीके से। देखिए जैसे मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ताकि जो शेडिंग होती है वो थोड़ा सा और अच्छे से हाइपर रियलिस्टिक लुक लगे। तो कुछ इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डॉट वर्क दे सकते हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा डार्क शेड है या लाइनिंग आ रही है या कुछ डॉट आ रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं। 6B पेंसिल या 8B पेंसिल का आपको यूज़ करना है। तो आपको नेक भी इसी तरीके से बनानी है, तो सबसे पहले 2B का यूज़ करिए। इस तरीके से आपको यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल में आपको शेडिंग करनी है, और नेक हमेशा फेस से डार्क बनती है। तो उसके बाद आप 8B पेंसिल 6B पेंसिल का यूज़ करिए और थोड़ी सी डार्कनेस आपको बढ़ाइए। और हल्का सा चाहे आप चारकोल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो चारकोल पाउडर और ब्रश से आप उसको ब्लेंड कर लीजिए, थोड़ी सी डार्कनेस दिख जाए। और जहाँ लाइट आ रहा है तो वहाँ पे आपको टोम्बो इरेजर का यूज़ करना है, हल्के हल्के डॉट्स बनाने हैं, ताकि आपकी नेक थोड़ी सी और रियलिस्टिक बन सके। अब मैं इस तरीके से बना रहा हूँ बैट। तो बैट में जितनी भी लाइंस आ रही हैं आउटलाइन, जहाँ जितनी डार्कनेस आ रही है वहाँ चारकोल पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जितनी भी इसमें यहाँ पर नेम लिखा हुआ है MRF, तो इस तरीके से मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि डार्क पहले आपका जितना डार्क वर्क है वो पहले हो जाए। तो इस तरीके से आप 8B पेंसिल का यूज़ करने के बाद उसको ब्लेंड कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस उसमें आ जाए। तो मेन स्केच में यही होता है कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो इस चीज़ को पहले आप अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ इसमें को आपको जानने को मिल जाएगा कि कैसे आपको वर्क करना है। और अभी तक जैसा आप वर्क कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो शेडिंग होती है वहाँ पर 2B का ही यूज़ करिए। इन पेंसिल्स की शेडिंग को आपको समझना होगा कि कहाँ पे है, मुझे कितना किस तरीके से डार्क देना है, कितना लाइट देना है। अब जैसे बैट में देखिए दो एरियाज आ रहे हैं, कि फ्रंट वाला देखिए थोड़ा सा डार्क है, पीछे वाला लाइट है। तो जो लाइट वाला है वहाँ पे 2B से मैंने शेडिंग कर दी है, और जो फ्रंट है उसमें मैंने 2B के यूज़ करने के बाद 8B से उसको ब्लेंड कर दिया है, ताकि आगे का डार्क और पीछे का लाइट हो जाए। अब इसी तरीके से शर्ट है, तो शर्ट में पहले आउटलाइन आप बना लीजिए चारकोल पेंसिल से, जितना डार्क एरिया आ रहा है इस तरीके से चारकोल पेंसिल से आप उसको फिर ब्लेंड कर सकते हैं। और जहाँ ज़्यादा डार्क देना होता है, तो वहाँ चारकोल पाउडर का जो चारकोल स्टिक होती है उसका पाउडर निकाल के आप किसी बॉक्स में फिर ब्रश से डिप करके आप उसको शेड कर सकते हैं। जहाँ भी डार्क एरिया आ रहा है ब्रश में से आप चारकोल पाउडर लगाइए और उसको ब्लेंड करिए।
तो कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। और जहाँ लाइट देना है वहाँ पर आपको लाइट 6B 8B पेंसिल से उसके बाद आपको ब्लेंड कर देना है उसी ब्रश से। तो कुछ इस तरीके से आप शेड दे सकते हैं और पूरी शेड बना सकते हैं। कोई भी अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं पेंसिल से तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अब जितनी पूरी देखिए ड्रेस थी मैंने चारकोल पाउडर से कर दिया है। तो अब हमें बनाना है ब्लैक बैकग्राउंड, तो आप चारकोल स्टिक को आप उसी में ही पाउडर आप निकाल के उसको ब्लेंड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप डार्क दे सकते हैं, पूरा आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक आपको इस तरीके से करने में बहुत आसानी होगी। या पहले पाउडर आप डायरेक्ट उसी में निकाल लीजिए और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से, या फिर आप चाहते हैं तो अलग से किसी बॉक्स में पहले पाउडर निकाल लीजिए और उसके बाद आप ब्रश में लगा के इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। जब मुझे बैकग्राउंड ब्लैक करना होता है तो मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, तो काफ़ी ईजी रहता है। उसी में चारकोल पाउडर का ब्रश उसमें गिराया और उसको ब्लेंड कर लिया। अब जितने भी हाईलाइट हो रहे हैं बाल जैसे ऊपर को जो उड़ के आएंगे वो आप टोम्बो इरेजर और वाइट जेल पेन के सहारे कर सकते हैं। जो वाइट टोम्बो इरेजर होता है और या वाइट जेल पेन होता है तो चारकोल में बहुत अच्छा चलता है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्केच में। जितनी भी डिटेलिंग है बाहर के जितना वर्क है लाइट है हाईलाइट है तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं अपने टोम्बो इरेजर से। तो कुछ इन टूल्स का आपको यूज़ करना है अपने स्केचेस में, तो जितने भी मैं टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके भी बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने लोकल मार्केट में स्टेशनरी शॉप से भी वहाँ पर ले सकते हैं। अगर ये हर आइटम जो होते हैं ज़्यादातर स्केचेस के वो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिल पाते हैं तो आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आपको इजी रहेगा वहाँ से बाय करने के लिए। और जितनी भी देखिए स्केच में जितने भी हाईलाइट होता है जितना भी कहीं वाइटनेस आ रही होती है तो उसके बाद आप वाइट जेल पेन का यूज़ ज़रूर करिए। वाइट जेल पेन का भी यूज़ ज़्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है वाइट जेल पेन का भी, ताकि आप कुछ इसमें डिज़ाइन हो कहीं ड्रॉ हो कहीं लोगो हो, जैसे मैं अभी लोगो बना रहा हूँ तो आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। चारकोल में बहुत ही अच्छा चलता है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ मेन आपके जो टूल्स होते हैं स्केचेस में वही आपको मेन टूल्स आपको रखने हैं अपने स्केच में, ताकि आप पहले से ज़्यादा और बेटर बना सकें। देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बहुत ही अच्छा इजीली बन जाता है वाइट जेल पेन से। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको थोड़े बहुत इनके टूल्स आपको रखने पड़ेंगे स्केचेस के लिए, और इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए बैठ के थोड़ा सा। देखिए इनमें टाइम लगता है, आप एक महीने में अगर यही ट्रिक आजमाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं और आपका स्केच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको यही ट्रिक का यूज़ करना है अपने स्केचेस में। तो कुछ इस तरीके से देखिए रियलिस्टिक वर्क आप कर सकते हैं, बस थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। मैंने जो स्केच बनाया था मुझे 3 दिन लग गए थे। तो कुछ इस तरीके का आप स्केच बना सकते हैं, अपना टाइम लीजिए और बनाइए। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया कि किस तरीके से आपको स्केच बनाना है, किस तरीके से आपको शेड देना है, किस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है और किस तरीके से हेयर आपको बनाने हैं। तो इस चीज़ को वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। जो अभी तक आप मिस्टेक करते आ रहे थे उस चीज़ को आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या इसको मिस्टेक थी क्या नहीं थी, किस तरीके से आपको स्केचेस का और ब्लेंडिंग का यूज़ करना है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा और इस तरीके से आपकी ड्राइंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होने वाली है। और जो भी मैं टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो मेन चीज़ देखिए स्केचिंग बनाने के लिए टूल्स होते हैं, तो वो टूल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप कोई भी स्केच अगर बनाते हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम यही होती है, देखिए अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो आप एक पेंसिल से भी स्केच बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको अच्छा ही स्केच बनाना है, रियलिस्टिक स्केच बनाना है, तो इन टूल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन टूल्स को आप बाय कर सकते हैं, चाहे आप लोकल मार्केट से बाय कर लीजिए या अमेज़ॉन से, मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ड्राइंग्स बना सकते हैं और पहले से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, और डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप एक महीने के अंदर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह वर्क कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।